नमस्कार दर्शक बंधु, पाणीपाग खबर आपणमानंकु स्वागत। आगामी 4 दिन प्रबल वर्षार संभावना, 15 जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षार संभावना देला पाणीपाग केन्द्र। तबे दुर्बल होउची लघुचाप प्रभाव, तबे कौन रही नुआ पाणीपागर अपडेट निहाते पर जानिबा ता पूर्व लाइक करने सहित आगू यही भिडियो देखा चाहते सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाई रखें। स्पष्ट लघुचाप उपकूल ओडिशा और पार्श्ववर्ती अंचल में सक्रिय रही, यह सहित जड़ित घूर्णिबल वायुमंडल 7.6 किलोमीटर उच्चता जाए व्यापी। से हीपरी मौसुमी जनित निम्नचाप रेखा उत्तर पूर्व आरब सागर अंचल में सदृश लघुचाप क्षेत्र में केन्द्र बाहरी उदयपुर रायसन जबलपुर पेन्द्रा रोड हीरियाकूद ओडिशा उपकूल में लघुचाप केन्द्र पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागर जाए लंबी। तबे शनिवार क्रमशः लघुचाप प्रभाव दुर्बल होगा सहित रविवार वर्षार परिमाण कम। आसंता 4 दिन जाए विभिन्न जिले में सामान्य मध्यम धरण वर्षा जारी रहे बोली आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षर सूचना दी जाएगी। पाणीपाग विभाग सूचना मुताबक शनिवार आज ओडिशार अधिक वर्षा हो नुआपड़ा गंजाम नयगढ़ खोर्धा पुरी कटक जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा जाजपुर केन्दुझर सुंदरगढ़ देवगढ़ झारसुगुड़ा सोनपुर और ढेंकानाल जिले में प्रबल वर्षार संभावना रही। प्रबल वर्षा जगू तलिया अंचल में पा जमार आशंका रही। से हीपरी 17-18 दुई दिन राज्यर उत्तर आभ्यंतरण जिले में प्रबल वर्षा होबार मध्य संभावना अच्छी। तबे सेपटे लगाण वर्षा जो मलकानगिरी जिले में बन्या परिस्थिति गोदावरी नदी फुलिबा जो मोटु अंचल जलमग्न होइछि। गोदावरी पछुआ पा मलकानगिरी दे प्रभावित सिलेरु और साबरी नदी में प्रवेश करने द्वारा बन्या परिस्थिति सृष्टि होइछि। नुआ मोटु और पुरुणा मोटु रे बन्या जल पशि जाइछि। पुरुणा मोटु रे थिबा 3टी गाँव 500 रु अधिक लोकंकु सुरक्षित जगह को स्थानांतरित मध्य कर दैछि। प्रशासन पक्षर बन्या विपन्न को शुखिला खाद्य जोगाई दि जाउछि। सेहिपरी नुआ मोटु अंचल 6 रु 7 गाँ पा घेर रही सेठाक लोक देशी डंगा साहाय्य सुरक्षित स्थान को स्थानातरित प्रशासन पक्षर व्यवस्था कर। गतकाली मलकानगिरी जिलापा उपजिला बन्या अंचल बुली स्थिति समीक्षा करते ओडराफ टीम अग्निशम कर्मचारी मोटु अंचल में पहुंचा। तेज आगू जो नुआ पापागर अपडेट आसो प्रथम यही चैनल मिले तेज सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाई रखें।